छोटी सी आपकी आवाज लगाने लगे जो भोजन बना रही है और बेटा उधर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। कुछ समय का डर है बाबा, मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे जाने दीजिए। बाहरी परीक्षा तो वहां मेरे प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा भैया आज उस ब्राह्मण के लिए भोजन बना रही है, रोटी जा रही है, बिनती जा रही है। आवाज लगा रहे हैं भैया, जो ही को नाम बताया है उसने और वो बनने वाला नहीं। आज उसी समय इतने शब्द सुने हैं, अरे रोहित रोहित नाम है भैया, भागी उठ कर के, कोई नहीं रोकने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। ब्राह्मण ने भी रोक दिया, कहां जाते पहले भोजन बना उसके बाद कहीं जाता। जल्दी जल्दी भैया ने भोजन बनाया और भोजन बनाते हुए ये आप जानते हो कि कौन सी माँ होगी कि बेटा हुआ सर्प ने काट दिया हो और वो भोजन बना। लेकिन भैया भोजन बनाती जा रही है और रोती जा रही है। भोजन बनाया बाबा, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ अब जा। माँ भागती जा रही है, गिरती जा रही है और भागती जा रही है। हे बेटा, हे बेटा, बेटे को पुकारती जा रही है और बगिया की ओर भाग रही है। वो मैया जैसे ही उस बगिया की ओर पहुंची और जाकर के देखा है बेटे को, बेटे का कंठ घिस चुका था, मुंह से झाग फेंक रहा है बेटा, और जाकर के मैया ने उठाया और गोद में लिटा दिया। और उसी समय पर मैया कह लगी, लाला कहां पे तो नसीब आयो मेरी कागल।
कितना कोमल होता है। इस माँ के सामने अपने बच्चे की याद रखी हो और वो भी खुशी से बिछड़ा हो, कोई दुनिया में सुनने वाला ना हो, उस माँ की ऊपर क्या बीती होगी। माँ करिए बेटा हुआ आया, मुझे नहीं पता था कि मेरा साथी छोड़ जाएगा मुझे आसमान। और मैया रोती हुई बोली लला अरे पागल मैया नाना प्रकार से रो रही है, बेटे के गोदी में रखी है। मैया जल लेके आई, जल के छींटे मारे बेटा थोड़ा होश में आया और माँ से कहने लगा मैया मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना, अब मैं जा रहा हूँ माँ, जो कि मेरा कर्तव्य खिंच चुका है, अब मेरे पर इतना जुबिया का बोझ नहीं रहा जो मैं तुझसे बात कर सकता। मैया कहने लगे माँ